हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कभी भी डूब सकती है बांग्लादेश की नैया। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका की जो हालात हुई है उसके बारे में हम सबको काफी अच्छी तरह से पता है। लोन्स, डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स और बैड मैनेजमेंट की वजह से एक पूरी कंट्री ही बैंकरप्ट हो गई। सिचुएशन वहाँ इतनी खराब हो गई कि वहाँ के प्रेसिडेंट को देश छोड़कर ही भागना पड़ा और पूरी कंट्री में आज इमरजेंसी लागू की गई है ताकि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। पर श्रीलंका अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को झेल रही है। और भी कुछ ऐसी एशियन कंट्रीज है जहाँ शायद सिचुएशन अभी इतनी खराब नहीं है, पर अगर समय रहते कुछ किया नहीं जाता है तो उनकी भी हालत श्रीलंका जैसी ही होने वाली है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कंट्रीज कौन सी है? वो कंट्रीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में कैसे लोगों को दो टाइम खाना तक नहीं मिल पा रहा है, हम उसके बारे में पहले ही कई बार बात कर चुके हैं। पर बांग्लादेश में चल रही प्रॉब्लम्स को उतनी अटेंशन नहीं मिल पा रही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने की कोशिश कर रहा है और ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं बल्कि $4.5 बिलियन का लोन है। अगर बात करें बांग्लादेश की तो ये अपनी बड़ी गारमेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और ये इंडस्ट्री इस कंट्री की GDP का बहुत बड़ा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। बांग्लादेश को लोन पेमेंट के बैलेंस और बजटरी नीड्स के साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए किए जा रहे एफर्ट्स के लिए चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि AHM मुस्तफा कलाम ने IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को इस बारे में लिखकर रिक्वेस्ट की है। हालांकि बांग्लादेश में IMF के ऑफिस से उसको तुरंत कोई रिस्पांस नहीं मिला। बता दें कि बांग्लादेश में भी फॉरेन रिजर्व बहुत ही तेजी से कम हो रहा है और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही देशों की हालत से ये बात तो क्लियर है कि किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन रिजर्व कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद बांग्लादेश भी इस बात को समझता है। बांग्लादेश के बैंक ने हाल ही में डॉलर्स को बचाने के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने गुड फ्रूट्स, नॉन सीरियल फूड्स और कई लग्जरी आइटम्स के इम्पोर्ट को बैन कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने भी डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए DB सिमिलर पॉलिसी अपनाई है। पाकिस्तान ने भी फ्रिज, AC जैसे लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। आपके क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।